जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव परिमल Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
भक्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण अविष्ट होकर भक्ति ही जीवन का सार है। जितने वेद उपनिषद पुराण सबके सब कृष्ण को ही लक्ष्य करता है। कृष्ण भक्ति के बगैर जगत सबके सब झूठा और मिथ्या है। यह चीज को महाप्रभु सभी को सामने स्थापन कर रहे थे और पर आ रहा है। गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए महाप्रभु 26 साल तक गृहस्थ लीला किया और 26 साल तक उन्होंने सन्यासी ग्रहण करके ब्रह्मचारी सन्यासी को कैसे रहनी चाहिए त्यागियों को उन्होंने ये चीज सिखाया। इसलिए कहते हैं साधु पावा बड़ कष्ट जीवेर जानिया दिए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब घर में रहते थे महाप्रभु अपना गृहस्थ धर्म को कैसे जाजन करते थे, कहते महाप्रभु जैसे दीक्षा मंत्र ग्रहण किया है शिक्षा देते हैं। दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करते तब तक भगवत सेवा में हमें सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करते हुए हमें गले में तिलक चोटी और माला ये सब जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान होते हुए भी महाप्रभु चोटी धारण की, गले में महाप्रभु तुलसी की कंठी, ललाट में तिलक है और स्वयं भगवान होते हुए भी ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे महाप्रभु गृहस्थ धर्म का आदर्श उन्होंने दिखाया। इसलिए
कुछ कुछ भक्त कहते हैं अरे ये सब तिलक कंठी धारण करने का क्या जरूरत है, भगवान को अंदर में रखो ना, ये दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, हैं? कहते नहीं, इसी जगत में जैसे एक सदवा है, हैं? और पति के स्वाहा के लिए इतना कुछ धारण कर लेती हैं, अब नकली पति के लिए, पति कब बने, शादी से पहले कोई थोड़ी मतलब था, शादी के बाद में पति चला, पति बना, अगर बीच में ज्यादा झगड़ा होता है पेचर बीच में डाइवोर्स भी हो जाती है, और रहे भी तो कब तक, जब तक शरीर उसके बाद में राम नाम सत्य है, फिर तो करोड़ों जन्म तो कोई मत, इसी जगत का पति के लिए कर लेते हैं, असली पति जन्मांतर का जो पति तो उसके लिए क्या नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु तो ये महाप्रभु क्या कहते हैं, महापुरुष गुरु जी महापुरुष स्वयं गला में त्रिकंठी का माला महाप्रभु धारण करते थे, चोटी रखते थे, जनेऊ धारण करते थे महाप्रभु, स्वयं महाप्रभु हरिनाम महामंत्र को स्वयं महाप्रभु ये जप करते थे हरिनाम को, और क्या करते थे सब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तुलसी की पूजा करते थे, और तुलसी मंजरी को दे करके ठाकुर जी को चरण में, हाँ ठाकुर चरण तुलसी मंजरी और प्रसाद में तुलसी मंजरी दे करके ठाकुर जी को अर्पण करते थे, और विष्णु प्रिया बड़ा सुंदर महाप्रभु स्नान करके जब आते हैं, आने से पहले महाप्रभु पूजा करेंगे, इसके लिए उन्होंने बड़े सुंदर चंदन अगुर कर्पूर फूल धूप पानी देते हैं, इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमें रोज तुलसी की पानी देनी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी है कहते वृंदा और तुलसी देव भाई प्रिया केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्य बताई नमो नमो, ये कृष्ण भक्ति को देने वाले ये तुलसी, रोज तुलसी की महाप्रभु परिक्रमा, और महाप्रभु तुलसी को सामने रख करके हरि नाम करते थे, हैं महाप्रभु तुलसी को सामने, क्योंकि जब तुलसी को दर्शन करके हरि नाम करना, अगर हमारा मन इधर उधर कहीं भटक, अब देखो तुलसी को सामने बैठ कर हरि नाम करो, क्यों तुलसी को तदीय वस्तु स्वयं भगवान के अधीश भगवान का निवास और कृष्ण भक्ति को देने वाले, इसलिए हम देखते थे गुरुजी जब हरि नाम करते थे तुलसी बैठ करके अनेक और उसको सामने बैठ कर हरि नाम करते थे, अब तुलसी को दर्शन करते करते मन तो इधर उधर भटकता है, हरि नाम करते समय तुलसी को सामने रख करके हरि नाम करो, मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दिव्य शक्ति तुलसी की है ना, हाँ इसका जो ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन आप शरीर को स्पर्श करते ही परम शांति परम भक्ति की अनुभूति होगी, हैं? इसलिए महाप्रभु स्वयं अपना गृहस्थ जीवन में तुलसी पूजा तुलसी सेवा महाप्रभु स्वयं कर भगवान को भोग लगाते थे, और एक गृहस्थ व्यक्ति घर में रह करके कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए महाप्रभु स्वयं आदर्श रूप में अपना जीवन में क्या करते थे, इसलिए जब श्रीमन महाप्रभु घर में आए, अगर सत्य है ना मैया कृष्ण का नाम ही एक सत्य है, जगत में सब झूठा है, और भगवान की जो चरण है भगवान की चरण ही केवल सत्य है, इसलिए मैया अगर कुछ कथा सुनना तो केवल कृष्ण कथा ही सुनना है, और बोलना तो कृष्ण नाम ही बोलना है, और मैया जगत में अगर कोई सत्य है केवल भगवान का सेवक ही सत्य है, केवल भगवान की सेवक ही सत्य है, इसलिए मैया सही शास्त्र सत्य है जिसमें भगवान की कृष्ण की बात बताए, और वो शास्त्र असत्य है जिसमें भगवान की नाम है ही नहीं, यहाँ प्रमाण देते हैं जसमें शास्त्रे पुराण एवा, उसके बाद में बताओ हरि भक्ति न दृश्यति श्रोतव्य नैव कर्तव्य यदि ब्रह्मा स्वयं पतेत, देखो कितने बड़ी बात कह रहे, बोले जसमें शास्त्रे पुराण एवा हरि भक्ति न दृश्यते, जिस शास्त्र में जिस पुराण में हरि भक्ति है ही नहीं, बोले श्रोतव्य नैव कर्तव्य, कहते वह शास्त्र को हमें नहीं सुननी चाहिए, बोले यदि ब्रह्मा स्वयं बदे, ब्रह्मा स्वयं बोलने पर भी वो शास्त्र ग्रंथों को हमें नहीं पढ़नी चाहिए नहीं सुननी
चाहिए, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले भैया आप पुराण भी तो बहुत तरह तरह का पुराण है, है? क्या उस पुराण को नहीं सुननी चाहिए? तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं बोले देखो तीन तरह का पुराण है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक, तीन तरह का पुराण है, इसलिए ऐसे नहीं पुराण है पढ़नी चाहिए, कहते नहीं, यहाँ पर बता देते हैं, हैं? कहते इसका जो अनुकूल वही सुननी चाहिए, अन्य सब कु वर्तमान है, इसलिए कहते सात्विक पुराण कौन है, कहते सात्विक पुराण में, सात्विक पुराण में जिसमें भगवान हरि की ही महिमा गाई गई है, कहते वो सात्विक पुराण है, कहते राजसिक पुराण में जिसमें ब्रह्मा जी की महिमा गाई गई, बोले तामसिक पुराण में जिसने अग्नि शिव दुर्गा है, कहते ये सब कथा जिसमें गाई गई, कहते ये तामसिक पुराण है, आप देवी पुराण को पढ़ लो, फिर तो देवी को छोड़कर आप किसको पूजा ही नहीं करोगे, और किसको पूजा नहीं करोगे तुम, क्योंकि वहां पर बताया देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे ही है, उनसे ही प्रकट होते हैं सबके सब, दुनिया मैया देवी ने तो प्रकट किया, दुनिया दुर्गा है ना, मैया देवी का ही दुर्गा ही है, लेकिन इसको ऊपर में भी कोई लोग है इसको तो पता नहीं, लोग तो वही पढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव जब उन्होंने वेदांत सूत्र को निकाले और जितने वेदांत सूत्र उपनिषद गीता, एक कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल था जो संस्कृत विभाग का बहुत बड़े धुरंधर विद्वान था, गुरु जी ने जैसे उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाए उनसे कल द्वारा उन्होंने प्रूफ रीडिंग करवाया संस्कृत के ऊपर है, संस्कृत में सारे प्रूफ रीडिंग किया, जब प्रूफ रीडिंग किया जब सब ग्रंथ बन गया, एक दिन गुरु जी ने उनसे पूछा बोले पंडित जी आपने क्या समझा, इतने सारे शास्त्र का प्रूफ रीडिंग किया ग्रंथ का तुमने समझा क्या, वो क्या कहता है बोले मैया देवी ही जगत का सब कुछ कहते मैया देवी ही जगत का सब कुछ मैया देवी है, ये कहते पढ़िया सुनिया लघु गलत छार खारे और कृष्ण महा बहुत सब वज्रधार पूर्ण पढ़ सुन करके ना लोग सब के सब चारकार हो गए, कृष्ण महोत्सव से वंचित हो गए, इसलिए जब तक वैष्णव की आनुगत्य में हम ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं ना भैया, जितने बड़े विद्वान हो जाओ जितने बड़े, ये नहीं संस्कृत पढ़ लिया मतलब हम विद्वान हो गए, कितने संस्कृत पढ़कर इधर उधर भटक रहे सब के सब है। हमारे मथुरा में एक बहुत बड़ा विद्वान था मथुरा में है, लेकिन वो क्या करता था जानते हो, वो जिस सभा में जाता था ना सबसे कितना तीर्थ है, 6 ना 7 तीर्थ उसने किया, इतने इतना बड़ा विद्वान नहीं, इतने बड़ा प्रखर विद्वान था, मतलब एक समय कहीं कुंभ मेला लगाता था, कहीं कुंभ मेला लगा था उसमें एक श्री जी बाबा है मथुरा, और कुंभ मेला में उनका भी लगा हुआ था, तब वो श्री जी बाबा कथा करते करते उन्होंने हठात बोल दिया बोले पहले सब विद्वान लोग थे, अभी थोड़ी कोई विद्वान है, पहले विद्वान थे अभी थोड़ी, लेकिन वो था वहां पर बैठा तो था, 7 तीर्थ उसने किया है, बड़ा धुरंधर विद्वान है, हैं? 7 तीर्थ उसने किया, जब उन्होंने ये बोल दिया ये बैठा हुआ था, इतने में इन्होंने उनसे चैलेंज किया बोले अब कैसे बोल दिया, उसी समय विद्वान थे अभी ऐसे थोड़ी विद्वान, अब कैसे बोल दिया, अभी कोई जगत में विद्वान नहीं है, अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या करने पर आप समझोगे विद्वान है, उनके साथ में तो लड़ पड़े, जो लड़ पड़े बोले एक काम कर सकते हो 1 घंटे को अंदर में 100 श्लोक बना सकते हो, 1 घंटे को अंदर में 100 श्लोक अपने आप बना सकते हो, बोले बना कर दिखाता हूं, बोले बनाओ तब हम मानेंगे, अभी श्लोक बनाने के लिए तुमको कोई को एक आधार चाहिए ना, एकदम नया श्लोक बनाओगे, पुराना श्लोक नहीं जो याद हुआ रट कर बोल दिया, नया श्लोक उसने किया कि जो पेंडल में लोग बैठे हुए थे ना, पेंडल में लोग बैठे हुए थे उसने उसको ही उसको लेकर के लोग कैसे बैठे हुए कैसे कथा सुन रहे हैं क्या हो रही है महाराज कैसे शोभायमान, केवल इसी को लेकर के 1 घंटा को अंदर में उन्होंने 100 श्लोक उन्होंने बना दिया, वो तो देख देख करके एकदम आश्चर्य हो गया, बोले बाबा रे, फिर उनको को जय पत्र उन्होंने दिया, उन्होंने पत्र लिख करके दिया, हाँ सचमुच से प्रमाण पत्र लिख करके दिया, हाँ ये ऐसी समय में भारत में सबसे बड़े विद्वान है, लेकिन वो क्या करते थे देखो, इतना बड़ा विद्वान है लेकिन क्या करते थे, जब मायावादियों को
धर्म स्वभाव में जाते थे ना, वहां उनको जैसे बात बोलते थे, उनकी अनुकूलित बात। जब किसी और किसी संप्रदाय की हैं पास में जाएंगे, वो उनका जैसे बात करेंगे। लेकिन जब भक्ति वालों के पास आए ना, भक्ति जैसे हमारे जब गुरु जी बुलाते थे, जब यहाँ पर आते थे विश्वनाथ से कुठक, उनका श्लोक कुछ रट लिए थे, बस रुको गोस्वामी को उसको ही बोलते थे। इसलिए हाँ, इसलिए कहते हैं मतलब इतने बड़े विद्वान होकर के भी खड़झाटिया जिस दल में जाए ना, हाँ जिस दल में जाए वैसे हो जाते थे, हाँ हो जाते। इतने बड़े विद्वान थे, धुरंधर विद्वान है। हाँ, इसका बोलने का तात्पर्य है, भले ही तुम जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो जाए, जब तक तुम ये भक्ति राज्य में नहीं आएगा ना, भक्ति वैष्णव लाइन में नहीं आओगे, कुछ भी नहीं समझ सकते हो। एक समय हमारे मठ में एक भक्त ने कहा, भैया बहुत दिन हो गया मठ में आकर के, हमने हमारे पल्ले में कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारे पल्ले में कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ समझा नहीं। तब उन्होंने बोले, अभी तक आकर तुम क्या समझा? बोले इतना समझा, जो कृष्ण है ना, यही सबका कारण का कारण। बोले बात सब ही समझ गया। उसने कहा, अगर तुमने इतना समझ गया ना, बड़े बड़े विद्वान भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके, कोई शंकर जी को बड़ा कहते, कोई देवी को, कोई गणेश जी को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई है दूसरे दूसरे को, लेकिन तुमने जो इतना ही बात समझ गया, कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्मास, सब शास्त्र ही पढ़ लिया तुमने, सारे शास्त्र पढ़ लिया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु माँ को यही कथा, यही बात समझा। बोले माँ, कृष्ण ही जगत का सब कारण का कारण कृष्ण है, इनको छोड़कर के दुनिया में और कुछ है नहीं। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र तीन तरह का, सात्विक सात्विक राजसिक तामसिक और एक निर्गुण भी है, है? एक निर्गुण भी है। उसी ग्रंथ को हमें पढ़नी चाहिए जो मूल ग्रंथ है, और जिस ग्रंथ में भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया, उसी ग्रंथों को ही हमें पढ़नी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, बोले मैया, बोले कहते चंडाल चंडाल नहे जदि कृष्णा, बोले विप्र विप्र नहे जदि असत पथ चले। बोले माँ, भले ही वो चंडाल कुल में जन्म क्यों नहीं हो, है चंडाल कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर वो कृष्ण बोलते हैं भैया वो चंडाल नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण घर में जन्म हुए, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म होकर के, बोले माँ अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर असत पथ से चलते हैं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। तब महाप्रभु कहते, क्या मैं बोल रहा हूँ ना, शास्त्र बोल रहा है। बोले शास्त्र बोल रहा है, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर, जैसे भगवान कपिल देव अपना माँ को जैसे ज्ञान की बात बताया था, यहाँ पर ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु कपिल देव का आवेश भाव में आविष्ट होकर के अपना मैया को तत्व ज्ञान बता रहे। बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तत नाम तुभ्यम। बोले माँ, ये कपिल भगवान कह रहे हैं। बोले अहो, अहो मतलब क्या है, जैसे कोई आश्चर्य चीज देख लेते हैं ना, हम क्या करें, बोले यार क्या आश्चर्य है, कहते ना क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य है। इसलिए यहाँ पर कह रहे, बोले माँ अगर जिसकी जिहाग्रे, जिहाग्रे मतलब बोले संपूर्ण जीवा नहीं, जीवा का अग्रदेश में है, अहोबत सपचो, सपच मतलब चंडाल, भले ही चंडाल कुल में जन्म क्यों ग्रहण नहीं किया, माँ अगर इसकी जीवाग्रे है वर्तते नाम तुभ्यम, अगर भगवान का नाम उसमें विद्यमान है, है माँ भगवान का नाम जब करता है फिर क्या समझो, बोले ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया। कितना काम कर गया, कितना काम कर गया, बोले वो चार काम करके आया है। बोले चार काम किया है, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितना तीर्थ है, कितना तीर्थ है, बोलो, बोले 6 अरब तीर्थ है पृथ्वी में, 6 अरब तीर्थ है, और 1 अरब कितना होता है, 100 करोड़, बोले 600 करोड़ तीर्थ जितने पूर्व जन्म में सारे तीर्थ को भ्रमण कर चुका है। दूसरा काम किया है, जितने तरह का तपस्या है, हर तरह का जो तपस्या पूर्व जन्म में जो कर चुके हैं। बोले तीसरा काम किया है, कि जितने तरह का बड़े से बड़े यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और कौन सा यज्ञ है, इसलिए कहते सब बड़े बड़े जो यज्ञ है पूर्व जन्म में, ये सारे यज्ञ जो
कर चुके हैं और कितना बक रहे थे, और पूर्व जन्म में जितने दान हैं सारे दान जो कर चुके, स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, दुखी दरिद्र को खिलाना पिलाना है, इसलिए पूर्व जन्म में जिसने सारे तपस्या, सारे तीर्थाटन, सारे दान और सारे यज्ञ कर चुके हैं, बोले माँ इसी जीवन में ही इसको जीवाग्रे में ये कृष्ण नाम उच्चारण करता। तब विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं, भैया जिसका जीवा के अग्रदेश में नाम उच्चारण हो, अगर वो इतना महिमा जिसका पूरा ही पूरा जीवा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते जिसका जीवा पूरा के पूरा कृष्ण नाम करता है, बोले मैया उसकी महिमा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। बोले भैया जो व्यक्ति जीवा में नाम करता है उसका कितना महिमा, बोले दोनों कान में जो कृष्ण कथा सुनता है, बोले उसकी महिमा तो इतने महिमा मैया में बता नहीं सकता। बोले जिन्होंने ये दोनों आंखों से ठाकुर का दर्शन कर, तो बोले भैया वो तो और महिमा। बोले जिनका दोनों हाथ ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए, बोले मैया वो तो और भाग्यवान। बोले जो दोनों प्यार से मंदिर परिक्रमा सत्संग में जाते हैं, बोले मैया उसका हृदय तो और, बोले जो अपना हृदय में ठाकुर का स्मरण करते हैं, बोले ताहार महिमा बेदे नाही सीमा त्रिभुवन नाही आन। कौन सा भजन है, ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार, ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार, तहार उपमा वेद नाही सीमा, तहार उपमा वेद नाही सीमा त्रिभुवन नाही आर, दयाल ब्रजेंद्र नंदन भज जय जन सफल जीवन तार। श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को जो भजन करते हैं, तार उपमा वेद नाही सीमा, वेद में भी उसका महिमा को बता नहीं सकता, इतने सौभाग्यवान। इसलिए आप लोग जो कंठी तिलक धारी है ना, साधारण व्यक्ति है नहीं है, ये कौन कह रहे, भगवान कह रहे, ये ठाकुर जी स्वयं यहाँ कह रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रगत नमे भक्ता चतुर्वेदी, उसके बाद में मद भक्त सपच प्रिय तस्मय दयम तत्व ग्राज्यम सच पूज्य जथाई आप। इसलिए भगवान कहते, बोले नमे भक्ता चतुर्वेदी, बोले माँ है अगर वो मेरा भक्त नहीं है ना, भले वो चार वेद क्यों नहीं पढ़ लिया, वो मेरे प्रिय नहीं, लेकिन अगर चंडाल हो, अगर वो मेरा भजन करता है, वो मेरा प्रिय है। वो जो वस्तु को देता है वो चीज को मैं ग्रहण करता हूँ, हाँ ग्रहण करता हूँ। इसलिए कहते श्री शूद्रे च भवेत एतत् लक्षणम् द्विजे तत् न विद्यते नैव शूद्र भवेत शूद्र नैव शूद्र भवेत शूद्र नैव ब्रह्म ब्राह्मण। इसलिए वो इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले शूद्रे च भवेत एतत् लक्षणम् द्विजे तत् न विद्यते, जो वैष्णव का जो लक्षण बताया ना, जो ब्राह्मण का जो लक्षण बताया, अगर वो लक्षण अगर शूद्र में भी दिखाई पड़ता है, उसको क्या माननी चाहिए, वो शूद्र नहीं है, शूद्र नहीं। लेकिन अगर ये ब्राह्मण में अगर शूद्र का लक्षण दिखाई पड़ता है, ब्राह्मण होकर शराब पीता है, ब्राह्मण होकर जने हुए नहीं, ब्रह्म गायत्री जप नहीं करता है, ब्राह्मण होकर भगवान को पूजा सेवा कुछ है ही नहीं है, सिगरेट फूंकता है, वो ब्राह्मण है ना, क्या वो ब्राह्मण है, वो कौन है, बोले वो शूद्र है। लेकिन अगर शूद्र को अंदर में अगर ब्राह्मण का गुण दिखाई पड़ता है, उसको क्या समझनी चाहिए, उसको ब्राह्मण समझनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री मातंग ऋषि है, मातंग ऋषि जब आश्रम में रह रहे थे, जब उन्होंने देखा है कोई एक व्यक्ति जब सवेरे उठते हैं, पूरा आश्रम का चारों तरफ साफ सुथरा है। पहले तो ब्रह्मचारी को बोल बोल करके भी सेवा नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं बिना बोले ही
पूरा आश्रम का चारों तरफ साफ सुथरा। और क्या है, पर लकड़ी का जो गठली, सूखी लकड़ी की गठली, कोई लहा कर देखते दरवाजा को सामने रखा हुआ। और जो पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे वो क्या करती थी, संतों के चरण में, गुरु जी के चरण में कांटा चुभ नहीं जाए, रात को छुप छुप करके झाड़ू लगाया करती थी। लेकिन गुरु जी ने देखा, भैया बिना बोले ये आपको कौन करता है। एक दिन गुरु जी छुप करके देखा ये सबरी सब काम कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरु जी ने बोला, बोले बेटी इधर आओ। बोले बेटी तू ये सब काम क्यों करती है। बोले गुरुदेव मैं आपको अपना जीवन में गुरु बना लिया है, आप मेरे गुरु है, अभी गुरु जी को तो सेवा करनी चाहिए। मैं स्त्री जाती हूँ, इसी शरीर में तो सेवा कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा जब तक गुरु जी की सेवा नहीं करते ना, बोले तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवाया, जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी हमने सोचा कैसे हम सेवा, हम कहते ना हमें सेवा दो, सेवा देने का जरूरत नहीं, सेवा ढूंढ लेनी चाहिए, सेवा मंदिर का सेवा अपने आप ढूंढ लेनी चाहिए, नहीं हमें कोई सेवा दो, नहीं सेवा अपने आप ढूंढ लो, क्या करनी चाहिए हमें, कौन सा सेवा पड़ा हुआ, कौन सेवा को कोई कर नहीं रहे, वो सेवा को क्या करनी चाहिए, अपने आप सेवा को हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते वो सेवा ढूंढ लिया है, इसलिए बोले गुरु जी ये थोड़ी बहुत शरीर से, उन्होंने देखा भक्ति के ही अधिकारी, क्योंकि सेवन मुख ही जिहा दो स्वयं स्मरत, इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, जड़ इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण नाम नहीं कर सकते। जब हमारी चित्त वृत्ति सेवन मुखी हो, हमारी हृदय जब सेवन मुखी वृत्ति हो ना, तभी अपने आप हृदय में हर चीज अपने आप स्फूर्ति होता है। देखा इसकी अंदर में सेवा वृत्ति, सेवा करती है, यही भक्ति के अधिकारी है, यही भक्ति के अधिकारी। बोले बेटी एक काम करियो, तुम आ करके कथा सुनना। बोले गुरुदेव हम छोटे जाति है, आपका आश्रम में ब्राह्मण लोग रहते हैं, सब ब्राह्मण स्टूडेंट जितने सब, मैं आश्रम में प्रवेश कैसे करूँ। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, तुम आकर के सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनियो। बोले ठीक है गुरुजी। जब उन्होंने घुस आश्रम में घुसे और पीछे बैठे ना जितने वहां ब्राह्मण थे, बोले शूद्रानी तुमने ये आश्रम में कैसे प्रवेश किया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, हमारा आश्रम अपवित्र हो गया, गोबर पानी लाओ है, गोमूत्र लाओ छिड़काव करवाओ, ये पूरा आश्रम को गंदा कर दिया। बड़े जोर से चिल्लाए, बोले तेरे को किसी ने आदेश दिया आश्रम में घुसने का। इतने में माता ऋषि ने कहा मैंने आदेश दिया, ये पीछे बैठ के कथा सुनेंगे। बोले गुरुदेव लगता है आपका बुद्धि भी बिगड़ गया है, आपका बुद्धि भी बिगड़ गया है, ये सबरी जाति के अगर ये आश्रम में घुस गई ना, आप कोई भी एक नहीं रहेंगे, हम सब आश्रम छोड़ कर चले जाएंगे। बोले भले ही तुम जाने का जाना, सबके सब चले जाओ, इसको अकेले हमने कथा सुनाऊंगा, केवल इसको ही कथा सुनाऊंगा है। वो सबके सब निकल कर चले गए, निकल करके चले गए। गुरुदेव केवल उसी को ही उन्होंने भक्ति की शिक्षा प्रदान की। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, एक दिन परम ब्रह्म भगवान राम अकेले नहीं अपना भाई को साथ में आएंगे, सबसे पहले बेटी तेरे पास में आएंगे, तुम्हें आश्रम में रहकर भजन करो भक्ति करो है। गुरु जी चले गए और गुरुमुख पद्म वाक्य चितेत करिया एक आर ना करिया मने आस। गुरु जी ने बोले ठाकुर जी एक दिन आए तो क्या करती थी, रोज रास्ता में पुष्प बिछाया करती थी, फूल लाती थी, बेर लाती थी और ऐसे देखती थी। गुरुदेव बोले ठाकुर जी आएंगे, जरूर ठाकुर जी आएंगे। कितना साल तक देखी, एक साल, दो साल, दस साल, सौ साल, पता नहीं। उस समय वो जवानी थी जब गुरु जी आए, एकदम जब ठाकुर जी आए ना, भरा दांत सब निकल गया, कितने बूढ़ी, कितने हजार साल तक देखते रहे। लेकिन हम लोग क्या कहते, बोले गुरु जी ये माला जब करते करते ये काली हो गई, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तो और कोई मंत्र है ना क्या गुरु जी आपके पास में, और कोई मंत्र है कि ना। इसलिए एक दिन क्या हुआ, स्वयं भगवान आए, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को बैठा है, अपना आंखों का आंसुओं से चरण धोए हैं, चरण धो करके ठाकुर जी को उन्होंने झूठा बेर खिलाई ठाकुर जी को, और भगवान ने उनको नव विद्या भक्ति की शिक्षा और भक्ति, उनको भक्ति प्रदान की, भगवान प्रेम प्रदान की। इनको दर्शन दे करके फिर जो
आश्रम छोड़कर ब्राह्मण चले गए थे, वहां पर गए। जब वहां पर गए बोले तुम लोगों को क्या चाहिए। देखो जब गुरुदेव से विमुख हो जाते हैं बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भले ही जितने विद्वान क्यों नहीं हो। कहा भगवान आए भक्ति मांगनी चाहिए, भक्ति नहीं मांगे उनसे, क्या मांगे। बोले ठाकुर जी जो तालाब है ना ये कीचड़ पड़ा रहता है और इसमें कीड़े हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें स्नान नहीं कर पाते। इसलिए अगर ये तालाब थोड़ा सही हो जाता है ना हम रोज थोड़ा स्नान कर लेते। देखो है? देखो कहा ठाकुर जी है, कहा भक्ति, उनकी सेवा मांगनी चाहिए, नहीं मांग कर क्या क्या तालाब में है? जैसे मानो पारस पत्थर आया तो कांच के टुकड़े को छोड़, पारस पत्थर छोड़कर कांच के टुकड़े को ग्रहण किए। बोले थोड़ा साफ हो जाए, बोले एक काम करो वो जो सबरी है ना उसकी चरण धोकर उसका चरणामृत ले आओ और इसमें छोड़ दो, ये अपने आप पवित्र हो जाएगा। बोले हाय रे उसको हमने तो छोड़ करके आए, उसको तो हमने उसकी वजह से हम छोड़ करके आए आश्रम को, और वो कह रहे दो बार वहीं पर जाओ और जा करके उनकी चरणामृत ले आओ वहां से है। लेकिन आदेश ठाकुर जी को है, उनको चरणामृत ला करके जब उसी कुंड में छोड़े ना अपने आप साफ हो गया, और उसकी चरणामृत में रोज ब्राह्मण लोग स्नान करते, रोज उसमें स्नान करते। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते बोले माँ अगर मेरे भक्त चंडाल क्यों नहीं हो, अगर मेरे भक्त हो वही मेरे प्रिय है, भले ब्राह्मण क्यों नहीं हो अगर मेरे भक्त नहीं है वो मेरे प्रिय नहीं है, वो मेरे प्रिय नहीं। इसलिए नवे भक्त शत्रुवेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, इसलिए इसलिए मेरे भक्त चंडाल होने पर ही मेरे प्रिय है। देखो यहाँ पर एक बहुत श्लोक कहती है भक्ति संदर्भ का है, कहती जो वैष्णव जो पद है कितने श्रेष्ठ पद है, जो वैष्णव पद है और कृष्ण भक्ति जो करने वाले वो कितने श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते इसको ये भक्ति संदर्भ से लेकर के यहाँ पर दे रहे हैं। बोले वैष्णवाना नाम सहस्रेभ्य सत्र जाजी विशिष्यते, कहते हजार हजार ब्राह्मणों के अंदर में एक सत्र जाजी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कहते सत्र जाजी ब्राह्मण वो जो यज्ञ है विशेष यज्ञ को वही कर सकते हैं, वो सभी नहीं कर सकते हजार हजार ब्राह्मणों के अंदर में। कहते सत्र जाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारक, कैसे ऐसे हजार हजार सत्र जाजी ब्राह्मणों में है जो सर्व वेदांत को जो जानने वाले व्यक्ति कदी ये सर्वश्रेष्ठ है। कदी ये सर्व वेदांत बीत कोट्या विष्णु भक्ति विशेषते, जो सर्व वेदांत को जो जानने वाले है, जो जानने वाले ऐसे करोड़ों करोड़ों में, सारे वेदांत को जो जानने वाले ऐसे करोड़ों करोड़ों में कोई एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, कोई एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। कहते वैष्णवा नाम सहस्रेभ्य एकांतिक विशेषते, ऐसे हजार हजार वैष्णव के अंदर में, वैष्णव मतलब क्या जो विष्णु को उपासना करते हैं, हैं कृष्ण भी इसको अंदर में आते हैं, लेकिन ऐसे जो विष्णु आराधना करने वाले व्यक्तियों में एक जो कृष्ण भक्त है ना बड़े दुर्लभ है, एक कृष्ण भक्त बड़े दुर्लभ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण भक्तों की। लेकिन ऐसे ऐसे हजार हजार कृष्ण भक्तों में जो राधा रानी की है, जो राधा रानी की अनुगत्य में जो कृष्ण उपासना करते हैं ना वो दुर्लभ है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिका रदासी जदे हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल काना, राधिकार दासी जदे हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल काना। ये कृष्ण कब मिलते हैं, बोले राधिकार दास जदे हाय अभिमान, अगर किसका अभिमान हम राधा रानी की दासी है, इसलिए राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति
हार नहीं मोर। बोले जो राधा कृष्ण जुगल उपासना करते हैं ना, जो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण की जुगल की उपासना करते हैं, कहते ये सर्वश्रेष्ठ है। ललिता और रूप मंजरी के अनुगत्य में अगर कोई भक्ति करते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी एक श्रेष्ठ है जो व्यक्ति श्री महाप्रभु की धारा में आकर के, चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के राधा है। इसलिए गौर क्या श्लोक बोलो, गौरांग दुटी पद चार धन पद से जाने भक्ति रस चार, गौरंगेर माधुर लीला चार करने प्रवेश ला, हृदय निर्मल भेल तार, गौर प्रेम रसार नावे सतरंगे देवा डूबे, से राधा माधव अंत रंग। जो व्यक्ति श्री रूपानुगत होकर के महाप्रभु की अनुगत्य में श्री जुगल की उपासना करते हैं, वो लोग तो उनका सौभाग्य तो बता ही नहीं सकते हैं, वो कितने सौभाग्यवान हैं। उनको जब सिद्धि मिलेगी एक साथ में कृष्ण धाम में और एक साथ में श्री गौर धाम में, दोनों प्रकोष्ठ में उनको सेवा की प्राप्ति होगा। इसलिए प्रभुपाद वहां से श्लोकों को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माता जी है, अगर भले ही चंडाल क्यों नहीं हो, अगर कृष्ण भक्त करता है सर्वश्रेष्ठ है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर भगवान जैसे कपिल देव ने अभिष्ट होकर के माता देहूति को उन्होंने ज्ञान प्रदान की थी, यहाँ पर उन्हें उसी भाव में अभिष्ट होकर के अपनी मैया सची को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बोले मैया है देखो माँ, कृष्ण भक्त का कितना महिमा, जो भगवान की भक्ति करते, बोले क्या, बोले विश्व ब्रह्मांड काल को डरता है। किसको डरता है? काल को। अभी कोरोना आ गया ना, कोरोना आ गया, सारा दुनिया लॉकडाउन होने पर भी, खोल देने पर भी कोई घर से निकल नहीं रहे, कोई घर से निकल नहीं रहे, लॉकडाउन खोल गया थोड़ी थोड़ी बहुत, कोई बाजार बजे कोई बाजार खाली है, सब पता नहीं ये कोरोना नहीं आ गया है, कोरोना नहीं आ गया। विशेष कहते सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। कहते काल किसको डरता है? कहते भगवान के भक्तों को डरता है। बोले क्यों डरता है? कहते भगवान के भक्तों को काल क्यों डरता है? बोलो क्या क्यों डरता है? बोलो बोलो, सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल भगवान के भक्तों को किस लिए डरता है? अरे बोलो, काल का जो काल है ना भगवान है, काल का काल कौन है? भगवान है, है? इसलिए भगवान जब जाकर शंख बजाए ना, कहां पर जब महाराज काल स्वयं थर 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 कांपते कांपता है, है? काल का काल है। इसलिए भक्त लोग हर समय क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, उसका नाम करते हैं, उनकी कीर्तन करते हैं, और भगवान का भक्ति नाम कीर्तन भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न भगवान का नाम। इसलिए बोले हरि को थाए, बोले हरि कहाँ है? बोले हरि कथाए, हरि कथाए, हरि कथा में ही हरि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते बोले मैया, ये काल भी कृष्णदास को देख करके काल भी डरता है, हैं? इसलिए तब कहते बोले मैया, जो गर्भ में बच्चे को जो कष्ट होता है ना, हाँ, यहाँ पर उन्होंने वर्णना किया, कर जगत अर्पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृत्व ही पात गितार जन्म जन्म था। कर जगत का पिता कौन है? बोले जगत रे पिता कृष्ण, तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधुस सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविण, तमेव तमेव सर्वम भगवान जगत का पिता माता। इसलिए महाप्रभु कहते बोले माँ, जगत का पिता कृष्ण, और जे ना भजे बाप, जो बाप को नहीं भजेगा क्या होगा? बोले जन्म जन्म ताप, जन्म जन्मांतर इसी 84 14 14 ब्रह्मांड में उसको भ्रमण करना पड़ेगा माँ। तब तो उन्होंने वर्णना करते बोले माँ, जो गर्भ में गर्भवास में माँ
गर्भ में पास में आना और एक नरक में आना माँ बराबर। जब पेट में बच्चा गर्भ में होता है उस समय माताओं को क्या चटपट चीज, नमकीन, मीठा, खट्टा, गर्मी चीज खाते हैं, तो कट्टू, अम्ल, लवण, ये सब खाते हैं। खाने पर उस समय बच्चा का शरीर पहले कैसे होता है, एकदम मांस पिंडला जैसे होता है। और मांस उस पहले चमड़ा भी नहीं होता है, उसका चमड़ा भी नहीं होता है, मांस पिंडला। अगर उसमें नमक दे दो, मिर्ची दे दो, कैसे लगेगा होता है? कहते माँ बच्चों को बड़ा कष्ट होता है। फिर क्या होता है, कृमि किट्टी उसको काट काट कर खाते हैं बच्चे को पेट में, फिर तब भी वो हिल डुल नहीं पाता है। लेकिन माँ, लेकिन उसका अंदर में फिर जिंदा कैसे रहता है? बोले कर्म फल भोगने के लिए उसको जोर जबरदस्ती, वो नहीं चाहने पर भी उसको जिंदा रहना पड़ता। क्यों? पेट में आया क्यों? पूर्व जन्म का कर्म को भोग करने के लिए आया, इसलिए उसको रहना पड़ता है। इसलिए कहते कहते माँ, कोई कोई पापी तो पेट गर्भ में ही, सृष्टि गर्भ में ही प्रलय है। अब देखना कोई कोई बच्चा पेट में मर जाते हैं, वहीं पर जन्म, वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है किसी किसी बच्चे को। और जिस समय उसकी जन्म ही ना गर्भ में, तो जिस समय 7 महीना हो जाता है उसी समय में 1000 जन्म की बात याद आता है। पहले जन्म में हमने कुछ कैसे झूठ, बेईमानी, इधर उधर कैसे पैसा कमाया, परिवार को कैसे मेंटेनेंस किया, उनको कैसे दुख कष्ट भोग किया, सबके सब कैसे सुख में साथ थे और दुख में कोई है? हैं? अब कैसे है जब जब तक जेब में पैसा है, पैसा कर तुम कौन? इसलिए कहते यहाँ पर कोई है नहीं, तुम गए कहाँ हैं, कहाँ है? इसलिए जब वैष्णव बनाए जाए, इसलिए कहते बोले माँ उस समय बच्चा भगवान को पास में प्रतिज्ञा लेता है, भगवान को पुकारता है, बोले हे प्रभु हमको ये हैं, हमें ये नरक से निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे, तुमको निकाल दूंगा। तो बोले प्रभु मैं समझ गया, ये दुनिया तो बड़ी मतलबी दुनिया है, हैं? एक बार केवल मेरे को जन्म दे दो, फिर तो कभी भी ये झूठा संसार में मैं नहीं फंसूंगा। उठते बैठते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तेरा मैं नाम लेते रहूंगा, बोले सही सही बोल रहे हो ना, यहाँ दुख पा करके बोल रहे हो और जन्म दे दूंगा तो बड़े भूल जाओगे। बोले नहीं प्रभु भूलूंगा नहीं, तेरा हर समय याद करूंगा। बोले भूल जाओगे ना, बीच बीच में वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरी फर्स्ट वार्निंग है। देखना बाल कहाँ से पकता है, कान से। बोले कान में पहला बेल दे दिया, सावधान। बोल कर आया था ना, दिन भर भजन करोगे, कितने समय टीवी देखते हो, कितने समय स्मार्टफोन निकाल कर देख रहे हो, कितने समय उल्टा पलटा बकवास कर रहे हो, हैं? कितना हरिनाम कर रहे हो। इसलिए कान के पास में पहले बाल बक गया, सावधान बेल दे दिया। लेकिन उसका बेल को हम नहीं सुनते, वो काट देते, हमें इतना जल्दी जल्दी बूढ़ा बना रहा है, हम कुछ नहीं हुआ है अभी। फिर दूसरा बाल पक जाते, उसको भी उखाड़ देता है, तीसरा बाल फिर उखाड़ देता है। लेकिन जब खिचड़ी बन जाती है ना, फिर कलर कर देता है, मेहंदी कलर कर देता है। फिर भगवान दूसरा वार्निंग क्या करते हैं, आंख में कमजोरी, फिर चश्मा पहन लेते हैं, तीसरा वार्निंग देते हैं, एक एक दांत को तोड़ना शुरू करते हैं, फिर डेंटिस्ट को पास में फिर नया दांत 32 दांत लगा लेता है। आप बड़े खिलखिला कर हंसते हैं, मेरे कुछ नहीं है। फिर भगवान उसको चौथा वार्निंग देते हैं, बोले क्या? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाते हैं, डंडा पकड़ना पड़ता है, हैं? फिर उसको बाद में फिर कोई वार्निंग नहीं, राम नाम सत्य है। लेकिन जब राम नाम सत्य हो जाता है फिर क्या होता है, हम लोग देखे होंगे, उसके लिए जब सजाते हैं, क्या सजाते हैं, अर्थी सजाते हैं, अर्थी सजा करके 4 व्यक्ति ले जाते हैं, और अर्थी सजाते समय उसके सर के ऊपर में एक तकिया रख लेते हैं और उसको हाथ पैर को तो बांध देते हैं अर्थी में, लेकिन उसका सर को नहीं बांधते, वो सर तकिया के ऊपर रहता है। और उसको क्या बोलते बोलते ले जाते, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। जिंदा रहते समय तो बोला ही नहीं, जब मर गया ना, मरे हुए व्यक्ति को कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जीवन में जितना राम कृष्ण का नाम लिया वही ले रहे हो, वही जा रहे हो, सब यहीं पर छोड़ कर जा रहे हो। अरे अभी तो बोल, जिंदगी भर तो बोला ही नहीं, जिंदगी भर बकवास किया, उधर उधर की बात बोला, अभी तो मर गया, कम से कम बोलो तो राम नाम सत्य है। लेकिन उसका सर रहता है तकिया में, देखना सर तो बंधा हुआ नहीं,
ऐसे चलता है ऐसे ऐसे, मतलब अभी भी मैं नहीं बोलूंगा अभी भी नहीं बोलूंगा मतलब अभी भी नहीं बोलोगे, मर गया अभी तो बोल दे, तेरे तो कोई गलती होगी, लेकिन सिर को ऐसे हिलाता है, नहीं बोलूंगा अभी भी, मतलब अभी भी नहीं बोलूंगा। चरित्र हम दिखाते हैं, बोले क्या दिखाओगे, बात चिता चिता सजाते हैं, बोले भैया अभी तो ले ले, ले अभी तो अंतिम समय में राम नाम कृष्ण नाम अभी तो ले ले, किस तरह से तेरा उद्धार हो जाएगा, किसी तरह से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं आप लेने वाले नहीं, बोले लेने वाले नहीं अभी दिखाता हूँ। क्या करते हैं फिर उसको मुखाग्नि देते हैं, मुंह में आग देते हैं, ये गंदी बात है, मुंह में आग क्यों देते हैं, बोले कारण है भगवान तुम्हें इसलिए जीवा दिया था दुनिया की बात बोलने के लिए नहीं, भगवान का कीर्तन भगवान का नाम करने के लिए जीवा दिया था, वो तो तुमने किया ही नहीं, जिंदगी भर उल्टा पुल्टा बोलते रहा, जिस मुंह में तुमने कृष्ण नाम नहीं किया उस मुंह में आग देते ले आग, लेकिन वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं, कहां देते हैं चरण में, उसकी चरण में, बोले क्यों, बोले अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहा है, अग्नि भी तुम्हारी चरण की वंदना कर रहा है, बोले क्यों, बोले जिस मुंह में तुमने भगवान की नाम लिए हो तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है, अग्नि भी तुम्हारी चरणों को पूजा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, बोले माँ जीव को ये दुर्गति भोगना पड़ता है, इसलिए मैया ये जीवन रहते रहते क्या करो, समय को नष्ट नहीं करके क्या करो मैया, बोले भगवान की भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हाँ देखो लास्ट एक अच्छी बात बताए, इसको सुनकर खत्म कर देते हैं, बहुत अच्छी, हमारे हमारे मंत्री जो महाराज जी ना श्लोक प्राय करके बोलते थे, श्लोक बहुत अच्छी श्लोक है, इस श्लोक को एकदम ये कर दो नोट कर लो, ये बात मत करो, इस श्लोक देखो बड़ा बढ़िया श्लोक है, कहते अन्ना ऐसे न मरणम बिना दैनन्य जीवनम अना आराध्य तो गोविंद चरणम कथम स्यात्। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, कहते अन्ना ऐसे न मरणम, मतलब अन्ना ऐसे में आप देखना कभी कभी कोई कोई लोग है ना बिस्तरा में लास्ट बिस्तरा में साल साल तक पड़े रहते हैं, उसमें ही टाटी उसमें ही पेशाब करते रहते हैं, देखना उसी समय परिवार गाली देते हैं, ये बूढ़ा मर नहीं रहा है, ये डोकरी मर ही नहीं रहे हैं, ये कब मरेगा, उसको सब मृत्यु सोचते हैं, ये मर जल्दी मरे, अगर दूर से देखे ना फिर उधर नहीं जाते, घूम करके जाते हैं, बोले बूढ़ी बुलाई नहीं, ये बूढ़ा हमें नहीं बुलाया, इसलिए ये बूढ़ा जो बूढ़ी जो जीवन है ना बड़ा दुखमय जीवन, सबसे ज्यादा ये अंतिम समय सबसे ज्यादा जीवन दुख कष्ट है। देखो ये चीज वो कहते हैं, बोले अन्ना ऐसा मरणम, इसका मतलब है बिना दुख कष्ट के जो मृत्यु, बोले अन्ना ऐसा जीवनम, मतलब जीवन सुख में बीतेगा कैसे, जीवन सुख में बीतेगा कैसे है, तब भी जीवन बड़ा आनंद से बीतेगा, तब भी अंतिम समय में अनायास में मृत्यु होगा, बोले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्, बोले जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे ये जीवन कभी सुख में बीत नहीं सकता है, ये जीवन कभी अनायास में जा ही नहीं सकता है, उसी व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा, उसी व्यक्ति का जीवन ही आनंद में बीतेगा, अनायास में मृत्यु होगा जितने निष्कपट होकर के हम भगवान की भक्ति करेंगे है। इसलिए क्या करो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए भगवान का नाम करो, भगवान की भक्ति करो, ठाकुर का सेवा करो, हर समय भगवान की भजन करो, भगवान का आशीर्वाद से ही है, भगवान का कृपा से ही ये जीवन सुखमय जम जाएगा, अंतिम समय में भी अच्छे तरह से ये जीवन बीतेगा। हमारे मंदिर में देखो एक कैलाश प्रभु थे, देखो ध्यान देकर सुनो, एक कैलाश प्रभु करुणा प्रभु, ध्यान देकर सुनो, एक कैलाश प्रभु थे हमारी रूप सनातन मठ में है, वो अंतिम समय में बुढ़ापा उम्र में आए हैं, लेकिन जब बुढ़ापा उम्र में आए मंदिर में आए बुढ़ापा उम्र में, लेकिन मंदिर में आकर इतने सेवा करते थे, कोई कोई मंदिर में तो आकर सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने सेवा करते थे ना तुम सोच भी नहीं सकते हो, उनका जो सेवा
कभी भी सवेरे मंगल आरती में जो बूढ़े हो गए लाश तक जो चल नहीं पाते थे तब भी मंगल आरती में आते थे। अब ठाकुर को जो आरती दिखाते ना, अगर कोई लेकर दूसरे दिखाए ना लड़ाई बीच में झगड़ा कर देगा, ठाकुर का बर्तन जो होता था स्वयं मलेगा। अगर दूसरा कोई एक दिन एक स्त्री कोई आई जोर जबरदस्ती की उसके साथ में लड़ाई करनी थी मंदिर में, ठाकुर का जो नाट मंदिर उसका पोछा लगाएगा कि भले ही कोई लगा दे उसको फिर दो बार लगाएगा हैं। और उसको प्रसाद के लिए बुलाते, हम जब बुलाते थे कैलाश प्रभु, उनका नाम कैलाश, प्रसाद पालो, बोले आज हम प्रसाद नहीं पा पाएंगे, बोले क्यों, बोले आज स्वामी का मैंने कुछ सेवा नहीं किया। उनकी भावना देख करके मेरे को इतनी अच्छी लगती थी, अनपढ़ है गांव गांव के एकदम गवार है, बोले आज मैंने ठाकुर को घर में रह रहा हूँ ठाकुर का खा रहा हूँ, आज सवेरे से तो उसका कुछ सेवा नहीं कर पाया, जब उसको मैंने सेवा नहीं कर पाया मैं भोजन कैसे करूँ। मैंने बोला हे भगवान कितने अच्छी भावना इनके अंदर में, कितने अच्छी। और चावल में कोई भी एक धान नहीं रहेगा, एक एक करके बाछेगा, उसको बाछेगा अच्छे तरह से बाछेगा ठाकुर को सेवा में, क्या उसकी भावना हे भगवान। मैं तो देख देख और ठाकुर को सामने उधर बैठ जाएगा, उधर जो ऊपर में बस माला लेकर के सब सेवा जब हो जाएगा, माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का नाम जप करेगा है, नाम जप कर। देखो उसका मृत्यु कैसे हुई है, इसका मृत्यु कैसे हुई, कार्तिक का महीना था, एकादशी का दिन था, कार्तिक का महीना एकादशी का दिन, दोपहर में उन्होंने प्रसाद, दोपहर में प्रसाद पाए नीचे आकर के, जो जिस घर में अभी जो ऊपर जो बीच जिसमें झूलो झूला रहते हैं ना ठाकुर प्रसन्नाथ, उसी घर में वो रहते थे हैं, उसी घर में रहते थे, प्रसाद पाए, प्रसाद पाकर जाकर सोए। और हमारे जो अभी जो बाबा जी महाराज है हैं, उन्होंने सोए, उन्होंने बोले कैलाश प्रभु कैलाश प्रभु, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं दी, उन्होंने कहते आवाज क्यों नहीं रहे, उनको गए उनको जब पैर को हिलाए ना पूरा शरीर हिल गया, पैर को हिलाया तो पूरा शरीर हिल गया, क्या देखा तो शरीर छोड़े। कार्तिक महीना एकादशी का दिन है, एकादशी का दिन कार्तिक महीना में बस है प्रसाद पाकर जब सोए, प्रसाद पाकर सोते सोते शरीर छोड़े। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर हम भगवान की निष्कपट होकर के भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, बोले भगवान का आशीर्वाद से तब भी जीवन अच्छे तरह से बीत जाएगी, अन्याय से जीवन बीतेगा और मृत्यु भी अंतिम समय में। हरिदास ठाकुर क्या महाप्रभु दर्शन करते करते सामने महाप्रभु खड़े हैं, महाप्रभु को दर्शन करते करते महाप्रभु का नाम लेते लेते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ऐसे उन्होंने अपना शरीर छोड़े। इसलिए कहते भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम करो, भगवान का आशीर्वाद से ही जीवन अच्छा बीतेगा और अनायास में हमारी मृत्यु होगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रील प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल, हरे कृष्ण हरे I'm
समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।